जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल किसानों ने खरीफ सीजन में औसत से अधिक बारिश की उम्मीद की थी, इसी के चलते किसानों ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जून में मौसम खेती के लिए अनुकूल नहीं रहा। महाराष्ट्र के तमाम जिलों में कम बारिश की वजह से खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। वहीं वासिम जिले की बात करें तो यहां पर कुल रकबे का मात्र 57.10% ही बोया गया। यहां भी बहुत से किसानों ने जो बुआई की है उसके बीज अंकुरित नहीं हुए हैं, इसलिए खरीफ की फसल तभी बेचेगी जब पर्याप्त बारिश होगी। बुआई में देरी के कारण ये स्पष्ट हो गया है कि इस साल उड़द और मूंग का रकबा कम हो जाएगा। वहीं वासिम जिले में कृषि विभाग को इस साल 4,424 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की उम्मीद थी। अभी तक सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि जिले में 2,31,770 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। वहीं मराठवाड़ा में भी मूंग और उड़द का रकबा कम होता जा रहा है। किसानों को इस बार कपास से अच्छी कमाई हुई है और उन्हें रिकॉर्ड रेट मिला है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि इस साल कपास का रकबा बढ़ेगा। वर्तमान में चल रहे बुआई को देखते हुए स्पष्ट भी होता जा रहा है। वहीं इसके अलावा दलहन की बुआई में देरी के कारण अब उड़द और मूंग वाले खेत में भी कपास की बुआई की जा रही है। पिछले साल कपास की कीमत 14,500 रुपये प्रति क्विंटल थी और अभी भी कीमतें स्थिर हैं, इसलिए कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है कि शेष अवधि में कपास के रकबे में वृद्धि होगी। वहीं वासिम जिले में कपास की औसतन 19,445 हेक्टेयर में बुआई होने की उम्मीद थी। वहीं इसमें से अभी तक 14,297 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का काम हो गया है। वहीं वासिम जिले के रिसोर्ट ब्लॉक में संतोषजनक वर्षा के कारण मध्यम जून के बाद बुआई में तेजी आई है, इसलिए यहां पे उच्चतम बुआई 59.50% है। इसके बाद वासिम ब्लॉक में 59.30%, वहीं मंगरूलपीर ब्लॉक में ये बता दें कि 58.70%, वहीं करंजा में ये 56.70%, मनोरा ब्लॉक में 55.20% और मालेगांव ब्लॉक में ये 52.90% की बुआई हो चुकी है। वहीं बारिश में तेजी के बाद बुआई का काम भी अब रफ्तार पकड़ रहा है। बता दें कि दलहनी फसलों की बुआई प्रत्येक वर्ष खरीफ सीजन के प्रारंभ में की जाती है, लेकिन इस साल सीजन की शुरुआत में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण अरहर, उड़द और मूंग की फसलों की बुआई नहीं हो पाई है। ये स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है, इसी वजह से खरीफ सीजन में सोयाबीन और कपास के रकबे में बढ़ोतरी की उम्मीद है। किसान 15 जुलाई तक सोयाबीन की बुआई भी कर लें तो उत्पादन में गिरावट नहीं आएगी। कृषि विभाग ने किसानों से उत्पादन को लेकर चिंतित नहीं रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।